अयोध्या रेप कांड को लेकर के यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक ओर समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस घटना का आरोपी अयोध्या के सपा सांसद का करीबी है। जहां सपा की ओर से पीड़िता और आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग की गई है, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने इसको लेकर के सैफई परिवार पर निशाना साधा है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी पीड़िता और आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन किया था। शिवपाल ने कहा कि मैं अयोध्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वह साथ ही पवन पांडे द्वारा किए गए नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन भी करता हूं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित भाजपा के सभी नेताओं का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट कर कहा था कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है, अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवारों से बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। तो देखिए ये कहाँ का न्याय है, तो पहले तो कार्रवाई करें, कार्रवाई करके पुलिस से ही यहाँ का जांच करें, और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करें। तो ये कहाँ का न्याय है? हम तो कहेंगे जो हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर